नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज में मुजाहिद भारती आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की ओर। आज मुंगावली एवं कोलारस विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने के लिए क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया एवं सुरेश पचौरी आदि गुना हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक पत्रकार वार्ता का भी आयोजन रखा। इस पत्रकार वार्ता में सर्वप्रथम संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में सभी नेताओं ने संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात पत्रकार वार्ता शुरू हुई, लेकिन इस पत्रकार वार्ता में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह पत्रकार वार्ता हो। यहाँ ऐसा लग रहा था मानो सभी नेताओं ने पत्रकारों को सिर्फ अपनी बातें कहने के लिए ही पत्रकार वार्ता का आयोजन रखा हो, और इन सभी ने बारी बारी प्रदेश सरकार के ऊपर भारी कटाक्ष भी किए। वहीं सभी ने एक सुर होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 14 साल के शासन को भी बहुत नकारा। लेकिन जैसे ही पत्रकारों ने इन सभी नेताओं से बात करने की कोशिश की और सवाल पूछे, तो वे वहां से उठकर चल दिए और कोलारस के लिए प्रस्थान कर गए। एकत्रित हुए हैं जो कोलारस और मुंगावली के उपचुनाव के लिए। ये एक साधारण उपचुनाव नहीं है, ये दोनों चुनाव पूरे प्रदेश को संदेश देंगे। पिछले 15 साल 14.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में किस प्रकार का धोखा और किस प्रकार की कलाकारी का प्रशासन चला है। आज हर वर्ग परेशान है। हम नौजवानों के का भविष्य की ओर देखें, हम किसानों की समस्या देखें, हम व्यापारियों की समस्या देखें। आज एक बात स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने बदलाव के लिए तय किया है, और चित्रकूट के बाद ये दो उपचुनाव जो हैं, ये मध्य प्रदेश के आम मतदाता की भावना को व्यक्त करेंगे। हमारे भूरिया जी, अरुण यादव जी, पचौरी जी, हम सब लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। आज नामांकन है कोलारस और मुंगावली का। ये दोनों चुनाव स्पष्ट करने वाली हैं, जिस तरीके से अटेर के चुनाव ने स्पष्ट किया था, चित्रकूट के चुनाव ने स्पष्ट किया था, और अभी हाल में हुई नगर पंचायत नगर निकाय के चुनाव ने स्पष्ट किया था कि मध्य प्रदेश में ये आज स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा की विदाई आने वाले 8 महीने के अंदर स्पष्ट हो चुकी है। जिस तरीके से, जैसे आज अभी कमलनाथ जी ने कहा, प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता आज पूरी तरह से त्रस्त है। नौजवान बेरोजगार है, किसान पस्त है। जो सरकार महिला को सुरक्षित वातावरण तैनात नहीं कर पाती, 14 साल बाद उस सरकार को कोलारस और मुंगावली की याद आई है, और एक एक मंत्री संतरी तंत्री मुख्यमंत्री कोलारस और मुंगावली में दस्तक देने के लिए आज आए हैं अतिथि के रूप में। तो हमारी और आपकी जो एक परंपरा है, ये क्षेत्र में अतिथियों का स्वागत सत्कार किया जाता है, पर ठीक समय में अतिथियों की विदाई भी की जाती है। मुझे विश्वास है कि ये दोनों क्षेत्र की जनता, जैसे मध्य प्रदेश की जनता भाजपा की विदाई के लिए उत्सुक है, वैसे ही इन दोनों क्षेत्रों में भी इन दोनों क्षेत्र की जनता भी भाजपा की विदाई पूरी तरह से सुनिश्चित करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। 24 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जितना भी ये लोग कोशिश करें प्रलोभन देने के लिए, धमकी देने के लिए, इस क्षेत्र की जनता और मध्य प्रदेश की जनता ना कभी भी धमकी में आई है, ना कभी प्रलोभन में आई है। जो विकास और प्रगति इन्होंने 14 साल में एक कील भी इस क्षेत्र में नहीं ठोका है, एक खरंजा भी नहीं लगाया है, आज विकास और प्रगति की झूठी घोषणाओं का अंबार का पुलंदा लगाने के लिए एक एक मंत्री और संतरी पिछले 3-3.5 महीनों से
कोलारस और मुंगावली में डटा हुआ है। प्रदेश का एक एक कैबिनेट मंत्री पहुंच चुका है। काश ये लोग 14 साल पहले जागे होते तो शायद जनता का कुछ लाभ हुआ होता। मुझे पूरा विश्वास है कि इन दोनों क्षेत्रों में कांग्रेस का परचम केवल नहीं लेकिन मध्य प्रदेश की जनता का परचम 28 तारीख को पूरी तरह से लहराएगा 24 तारीख के मतदान के बाद। देश में मध्य प्रदेश में 15 साल से और केंद्र की सरकार भी जो 3 साल से लगी हुई 4 साल से इन लोगों ने जो वादे किए थे, बताया जाता है यहाँ शिवराज सरकार ने 12,000 वादे किए हैं, घोषणाएं की हैं जिसका कोई अता पता नहीं है। और केंद्र की सरकार में भी जो एनडीए की सरकार आई उसमें नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो वादे किए थे फिर उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो सब चुनावी जुमले थे। तो ये जुमलों बाजू से ये प्रदेश की जनता जो है पूरी वाकिफ हो गई है। और हमारे दोनों लीडर ने जैसे आपके बताया प्रदेश की और यहाँ की जो मुंगावली और कोलारस की जनता है उनको नकारने जा रही है। चित्रकूट और नगर निकाय के चुनाव में वहाँ जो है उन्होंने अटल विद्या आगे जो जितने भी चुनाव हुए इसमें भी जो है प्रजा ने इनको नकार दिया है और ये दोनों में भी उनको नकार देंगे। वो निश्चित रूप से ये बीत के ऊपर जो लिखा हुआ नकार होता है इसी तरह के स्पष्ट हो रहा है। अरुण जी आज गुना पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व वाले नेताओं की मौजूदगी में संत रविदास जयंती के मौके पर ही संत रविदास जी का अपमान हुआ। यहां खास बात तो यह रही कि पहले तो संत रविदास जी के चित्र पर इन सभी नेताओं ने माल्यार्पण किया और जैसे ही नेता वहां से उठ खड़े हुए तो संत रविदास जी की तस्वीर पैरों में पड़ी हुई नजर आई। जहां ये बड़े नेता इस बात को नजरअंदाज करते हुए वहां से आगे चल दिए। घर से लेना इधर से वो भी दिखेंगे। पेरेंट्स प्राइड स्कूल ने आयोजित किया अपना वार्षिकोत्सव जिसे इंद्रधनुष का नाम दिया गया। इस वार्षिकोत्सव में नन्हे मुन्ने बच्चों ने उपस्थित जनों के समक्ष विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जिनसे सभी उपस्थित जन यहां मंत्रमुग्ध हो गए। इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि एडवोकेट राकेश पटेल के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर की गई। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। इस मौके पर बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए स्कूल के स्टाफ सहित सभी बच्चों के अभिभावकगण भी यहाँ उपस्थित रहे। गलियों के बाजार में एक छोटी सी गलिया लाना, गलिया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना। कोई लड़की है जब वो हंसती है
दिस प्राइज विद योगेंद्र मीना। योगेंद्र मीना टू। संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ ने आयोजित किया धरना प्रदर्शन। इस धरना प्रदर्शन में प्रदेश सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों को बाहर किए जाने संबंधी आदेश की प्रतियां जलाकर यहां विरोध किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षकगण यहां उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी मांगे पूरी न होने पर आने वाले समय में प्रदेश स्तरीय आंदोलन की चेतावनी भी दी है। साथ ही मुंगावली एवं कोलारस के उपचुनाव में भी प्रदेश सरकार को सबक सिखाने की बात यहाँ अतिथि शिक्षकों ने की। एक तरफ रोजगार देने की बात करती है और दूसरी तरफ हम 10 साल से लगे हुए लोगों को हटा रही है। इसका हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यदि आगामी समय में हमारे प्रति कोई अच्छा निर्णय नहीं किया तो भोपाल में जाकर महाआंदोलन करेंगे, मुंडन करवाएंगे, अर्थदंड प्रदर्शन करेंगे और जितना भी उग्रां आंदोलन हो सकता है उतना उग्र आंदोलन करेंगे। और अभी आने वाले समय में मुंगावली और कोलारस उपचुनाव में विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज आप लोगों ने क्या किया है? आज ये बाहर करने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू की थी, जिसमें मेरिट के आधार पर हम लोगों को बाहर करने का तरीका अपनाया। उसमें 10 साल से काम करने वाले अतिथि शिक्षक को भी अनुभव का लाभ नहीं दिया गया, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। स्कोर कार्ड की प्रतियां जला के इसका विरोध कर रहे हैं कि आप हमको अनुभव के आधार पे लाभ दीजिए। गुना नगर पालिका में कार्यरत दैनिक सफाई कर्मचारी एकता संगठन ने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया। इस धरना प्रदर्शन के द्वारा उन्होंने उनके नियमितीकरण की मांग को उठाया है। गौरतलब है कि नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्यवाही अंतिम चरण में चल रही है, लेकिन यह सफाई कर्मचारी नगर पालिका की इस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि जो लोग पहले से नगर पालिका में कार्यरत हैं पहले उन्हें स्थायी किया जाए, इसके बाद ही नए कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। इस मौके पर नगर पालिका में उपाध्यक्ष श्री राजू यादव ने इस धरना प्रदर्शन में सफाई कर्मचारियों के साथ रहकर पूरे मामले से मीडिया को अवगत भी कराया। कर्मचारियों को आज दिनांक तक नीति नहीं किया गया, जबकि मध्य प्रदेश के आदेश अनुसार कार्यपालन डीडी साहब का आदेश आ चुका, किसी बात की आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। मेरा सभी सफाई कामगारों से अनुरोध है, भाइयों से, बहनों से, आप अपना धरना यही समाप्त करें। आप जिस चीज की लड़ रहे थे वो सारी मांगे मान ली गई है। नियुक्तिकरण का कार्यक्रम हो, ये नियम अनुसार हो, और जो पुराने लोग हैं जो बेचारे कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं देते हुए चले आ रहे हैं 10-15 वर्षों से, उनको पहली प्राथमिकता दी जाए। ये जो नियुक्ति पत्र का आदेश आज से लगभग 3-4 महीने पहले हुआ था कि ये जो अस्थायी कर्मचारी हैं इनको स्थायी कराया जाए, और लिस्ट भी लगभग पहले लग चुकी थी, वो लिस्ट यहाँ से हटा दी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ अपन देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार नगर पालिका में चरण सीमा में है। और इन लोगों का ये कहना है कि जैसे ये सूची ये बता रहे हैं, ये सूची है, ये पहले चस्पा कर दी गई, 4 महीने पहले पुरानी सूची है, अभी तक इन लोगों की भर्ती हो जाना चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब क्या मंथन इन लोगों का अंदर चल रहा है। मैंने को सुनने में ये आया है इसमें कि अभी जो कार्यकर्ता जो नगर पालिका कर्मचारी हैं भर्ती किए गए हैं उनको भी इसमें जोड़ने का कहीं ना कहीं प्रावधान चल रहा है और प्रयास कर रहा है ये, तो मैं इन लोगों को सबको विश्वास दिलाता हूँ और मीडिया से भी मैं अनुरोध करूँगा कि कम से कम नगर पालिका में ये जो उल्टे सीधे काम किए जा रहे हैं इन पर थोड़ा सा फोकस कर जनता को बताना है। ये गरीब वर्ग हैं, ये 40-50 हज़ार 1 लाख रुपये कहाँ से देंगे भर्ती के लिए, तो मैं इनको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, मीडिया से भी अनुरोध करूँगा कि इनको बेचारों को
यार अपने बच्चों को पाल रहे हैं, ये 40-50 हज़ार रुपये कहाँ से देंगे भर्ती के लिए? सही बोल रहा है। तो मैं आपसे वही तो इनकी उम्र है, इन्हें स्थायी किया जाए, पहली प्राथमिकता 10 से 12 वर्ष पुराने जो कर्मचारी हैं उनको दी जाए। और ये आयुक्त महोदय का यहाँ से ये पत्र आया है 6 तारीख का जैसे, तो अगर ये नुक्ति नहीं होती है तो हम इस आंदोलन को और उग्र भी बनाएंगे। अहिरवार समाज संघ शाखा गुना मध्य प्रदेश के नेतृत्व में आज बौद्धिस्त संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती का आयोजन किया गया। इस जयंती के उपलक्ष्य में शहर में एक चल समारोह भी निकाला गया जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ गुजरा। इस चल समारोह में अहिरवार समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साथ ही जगह जगह पुष्प वर्षा कर इस चल समारोह का स्वागत भी किया गया। नगरपालिका परिषद गुना द्वारा राष्ट्रीय हाथ ठेला चालक एवं साइकिल रिक्शा चालक दिवस का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन नगरपालिका भवन में किया गया जहां हाथ ठेला चालकों को जागरूकता हेतु कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में हाथ ठेला चालक यहां उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम का आयोजन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत किया गया था। शहर के लोगों के चेहरा की चमक देखी, उनके काम देखे, उनके बोलने का ढंग देखा, उनके चलने का तरीका देखा, उनका बैठने का तरीका देखा और धीरे धीरे मैं उस चीज को सीखा। भगवान आते नहीं है, अरे लोग सैलाब की तरह बुलाते नहीं है। कौन कहता है कि भगवान रोते नहीं है, अरे लोग सदामा की तरह रुलाते नहीं है। और कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं है, चलाते नहीं है। हम लोग बढ़ के तो देखो, चल के तो देखो आगे। हम काम ही करना नहीं चाहते, हम सीखना नहीं चाहते। डीजियाना न्यूज में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।